हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका है। इधर हो रही है निक्की की साफ़ सफाई, तो इधर जाना तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है साफ़ सफाई करते समय अगर कोई आ जाए तो फिर गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है जो साफ़ सफाई करता है उसका, चाहे मैं हूँ, कोई हो, आप हों, तो कुछ ऐसा ही होता है। जब मैं भी सफाई करता हूँ अगर कोई आता जाता है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो उधर जाएंगे नहीं। और इधर चल रही है बहुत ही ज़ोर शोर से रसोई की साफ सफाई, कोई कमी रह न जाए, कोई कमी रह न जाए। तो ये बिल्कुल ध्यान मग्न है, तो इतनी ईमानदारी से काम किया जा रहा है कि गर्दन थोड़ी सी इधर उधर दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हिल रही है। तो इन्होंने आज पूरी जो है टाइल की भी धुलाई कर दी एकदम बढ़िया से, तो ये बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, आंखें ख़राब हो सकती है इससे, थोड़ा कम चमकाओ, क्या कह रहा हूँ। तो आज इनका है मौन व्रत, ये बोलेंगी नहीं। तो यहाँ से भी बाहर को जाने में ही फायदा है, क्योंकि ज़्यादा देर इधर अगर खड़ा रहा, ज़्यादा बोलते रहा, तो फिर समझ सकते हैं आप क्या हो सकता है। तो चलते हैं बाहर को। और प्रियांश को देखिए, वाह 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 बेटे, क्या काम हो रहे तेरे यार, वाह, इतने मज़े तो किसी के भी नहीं होंगे। पैर के ऊपर पैर रख के गेम खेला जा रहा है, मोबाइल चलाया जा रहा है, हैं, जिन हाथों में किताब होना चाहिए उनमें तुमने मोबाइल पकड़ रखा है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, खूब मोबाइल चलाओ, ठीक है, किताब बिल्कुल मत पढ़ो और मोबाइल चलाओ दवा के, चल बाहर, चल चल उठ, काम करना, बाहर आ जा, छोड़ दे, अरे आ जा, वो बरसी मरसी वो करना है, जल्दी आ, दो मिनट में मोबाइल छोड़, आ जा, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, आ फिर। और बाहर आ चुकी है एकदम शानदार धूप, जिस धूप से गर्मियों में बड़ी नफरत होती है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड आती जा रही है तो धूप के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, तो दिल कर रहा है कि यहाँ पर धूप में बैठ जाऊँ, ठंडा सा हो रहा अंदर। और इधर सोए हैं कोको महाराज, हेलो, क्या हो रहा है, खाना वाना खा लिया, खाना वाना खा लिया, चल सोए रहे फिर आराम से, आराम कर। अब कैंडी महाराज तो निकल चुके हैं पता नहीं किधर को खा पी कर, तो वो अभी जब भूख लगेगी तभी मेरे आगे पीछे मटराते हुए नज़र आएगा, तो फिलहाल तो वो है नहीं आसपास, पता नहीं कहाँ चला गया। और इधर चारा कट कर आ चुका है सुबह सुबह, तो आज बहुत सारा चारा दिख रहा है यहाँ भी और इधर भी, क्योंकि हमने पूरा चारे का जो खेत था वो खाली कर दिया है। और ये हैं हमारे लल्लू महाराज, ये हैं हमारी लक्ष्मी मैया, तो दोनों माँ बेटे खा पी के एकदम जुगाली कर रहे हैं बढ़िया से। क्या है, रोटी खा दो दी, अब क्या गर्दन हिला रहे हो दोनों एक ही दिशा में, यार जब भी आऊँगा रोटी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, हैं, बहुत बढ़िया, जब भी आऊँगा मतलब रोटी खाओगे तुम मेरे हाथ से, नहीं है नहीं है, ये देख खाली है हाथ, मत हिला गर्दन, खाली है हाथ, खाली हाथ है, खाली हाथ, खा तो दी तूने रोटी, क्या है, खा तो दी रोटी, अब कितनी रोटी खाएगा, आ तो तुझे इधर बांध दिया, हैं, खड़े रहो आराम से, पेट वेट भर गया बढ़िया से, पानी वानी पी लिया, अब क्या चाहिए, हैं। तो जब भी मैं इन दोनों माँ बेटों के पास आता हूँ इनको यही लगता है कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूँ, तो गर्दन हिलाते रहेंगे जब तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, ऐसा लगेगा इनको कि हाँ भाई अब देगा कुछ, अब देगा कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं लाया अब। और पिताजी नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं अपने घास मिशन पर, तो अभी अभी गए हैं वो, थोड़ी देर पहले तो खट 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 कर रहे थे यहीं गायों के वहाँ पे। और ये फूल का पेड़ तो मेरा मन हर लेता है, इसमें जो फूल आते हैं ना आजकल, ओह हो क्या सुंदरता दिख रही है इन फूलों की, बहुत ही प्यारे फूल दिख रहे हैं, और ऊपर से नीला नीला आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही मनमोहक फूल खिले हुए हैं। और हमारा चारे का खेत भी बिल्कुल खाली हो चुका है, तो आज जितना चारा था उस साइड थोड़ा सा बचा के रखा था वो भी काट दिया है, क्योंकि आज प्लान बन रहा है बरसीम बोने का, तो अभी देखते हैं ट्रैक्टर कितनी देर बाद आता है। और इधर आ रहे हैं नन्हे मुन्ने दो प्यारे से बच्चे, नमस्कार, कहाँ ले जा रहे हो इनको आज, अरे वो हमारी जेठानी रहती है ना, हाँ, क्या नाम है बेटा आपका, कुणाल, कुणाल कितने में पढ़ते हो, एक में पढ़ते हो, तो कहाँ जा रहे हो आज, कुछ पता है, ताई के घर, शाबाश, जाओ जाओ। और आपका क्या नाम है बाबू, भूमिका, क्या नाम है बता दो, बहुत प्यारी बच्ची है ये, बाल किसने बनाए, ये मम्मी ने,
बहुत अच्छे लग रहे हैं, शाबाश, जाओ फिर जाओ। अरे जेठानी के भाई खत्म हो गया ना। अच्छा, मैंने कहा उनके मुंह पे लाया। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ लच्छू भाई पानी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पानी का बरसी में लगा रहे चारे में? फिर यार तुम चारे में पानी भी लगाने लग गए, हमारा चारा अभी तक बोया ही नहीं गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे पड़ोसी, ये लगा रहे हैं अपने चारे में पानी। तो यहीं पर बगल पर ही हमारा खेत है, वो बगल से ही पानी लग रहा है। और अब आ चुका है प्रियांशु अपने गेम भवन से बाहर निकल कर। क्या छोड़ के आ रहा हूँ? गेम छोड़ के आया। बड़ा तुझे पहाड़ टूट गया, गेम छोड़ के आया। तो तू इसको इसको खोल, इनको खोलना, दो तसले में खोल, पहले बरसीम खोल। हाँ पहले एक ही खोलना, तो ज़्यादा मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा है ये। वापस कर देंगे, वो कह रहा था वापस कर देना ज़्यादा होगा। तो ये हो चुकी है बरसीम खाली। तो ये है 2 किलो बरसीम, तो आधा भिगा है। आधा भिगा के लिए मैं लाया हूँ 4 किलो बरसीम और 4 किलो जई। वो वाले भी डालो, वो है लेटा, उसको लेटा कहते हैं। वो देख सब, हाँ सब ना ना, एक ही डाल अभी। अरे कम हो जाएगा तो फिर उस समय थोड़ा भागूंगा, इसीलिए ला के रखा हुआ है। ये है लेटा, ये भी घास होता है एक तरह का। तो इसकी पत्तियां जो है, जो ये काला काला दिख रहा है लेटा, तो लाई की टाइप का होता है ये, लेकिन लाई होता नहीं है। दूसरे तसले में डालेंगे हम जई। तो ये भी कटिंग वाली जई है, जिसको जांत भी कहते हैं पहाड़ में। तो वही जांत है ये, तो यहाँ इसको जई कहते हैं। अभी बहुत काम है बेटे तेरा, कहाँ भाग रहा है? अरे वहाँ जो लहसुन बोया था ना, वो बीच बीच में गैप है, उसको भी सही करना है। थोड़ा लहसुन लेके आ, उसकी भी गुड़ाई कर देते हैं। चल जा। ठीक है। तो दोस्तों बरसीम हमने एकदम रेडी कर दी है, तसलों में खाली कर दिया उनको। जैसी ट्रैक्टर आएगा जुताई होगी, तो फिर फटाफट छिड़क देंगे उसको। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि लहसुन की गुड़ाई कर दी जाए, क्योंकि लहसुन काफ़ी बड़ा हो गया है और मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है। तो अगर गुड़ाई कर देंगे तो पेड़ फटाफट बढ़ जाएंगे, और कहीं कहीं पर गैप भी रह गया है, कुछ पेड़ जो है मर गए हैं, तो उनको भी लगा देते हैं। तो जब तक ट्रैक्टर आता है यही काम कर लिया जाए। और हमारी फूल की बगिया के तो क्या कहने, गेंदे के फूल जो खिले हैं, जो खुशबू आ रही है, जो इनके ऊपर तितलियां मडरा रही है। ओए होए होए, मत भगाना, क्यों भगा रहा है, कितना सुंदर लग रहे हैं। अरे तू क्यों भगाता उनको, देख सकते हैं कितनी तितलियां हैं, तितलियां तितलियां, रहने दे उनको, कितना अच्छा लगता है करके आसपास तितलियां मडराते हुए। अरे मत कर, तू मानता क्यों नहीं है यार, मत कर, कह रहा हूँ। अरे तो लहसुन सब खराब हो गए अंदर, सही वाला लेके आ, मम्मी से मांग, मम्मी लहसुन ला दो। तो घर के आसपास हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, फूल हो, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है इनको देख के। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा आजकल हमारे घर के आसपास का हो रहा है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। आ लहसुन दिखा, अलग कर इसको, अलग कर, क्या दे रहा है मुझे, पूरा अलग करके दे, बवाल टलाई नहीं करते हैं। एक कबूतरों ने यार ऊपर में घुटुर घुटुर करके पूरे दिन दिमाग खराब करते हैं। ला इधर आ, एक पेड़ यहाँ पर लगा, यहाँ पर भी नहीं है, तो करते हैं गुड़ाई। बहुत ही टाइट मिट्टी हो गई यार इसकी, है अभी। अरे यार जम तो रहा है ये, मिट्टी टाइट होने से ऊपर नहीं निकल पाया, ये देखिए ये जम रहा है। अच्छा हुआ उखड़ा नहीं। फेंक दूँ एक बार? हैं, क्या फेंक दूँ? फेंकना वेंकना नहीं है, देखो जम जाएगा। अरे फेंक के जमता है क्या वो लहसुन का भी? फेंक के जमता है, उसको मिट्टी में दबाना पड़ता है। तो दोस्तों हो चुकी है निराई गुड़ाई। तो मिट्टी इतनी टाइट हो गई थी, पूछिए मत, दोनों हाथों से मुझे गुड़ाई करनी पड़ी। और बाहर कोई आया है, देखते हैं कौन आया है। तो ये आ गए हैं हमारे जीजा जी श्री। जीजा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे यार इसमें दे देते हैं कटोरे में, इसमें दे दो, लो इसमें दे दो। और सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, बहुत दिनों बाद कहाँ पे, बीच में बुखार उखार आया था सुना मैंने तुम्हें, बुखार आया था, क्या हुआ था? अरे जुकाम लगा था। सही हो फिर अब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और नाश्ता पानी हो गया? नाश्ता पानी करके तो आया मैं। चलो फिर बढ़िया। ले भाई इसकी भी बाहर आ गई कोको की, बैठो चलो अंदर चलो। अच्छा ठीक है। हाँ सब बढ़िया। और क्या हो रहा है काम धंधा?
काम धंधा क्या होता है, बैठे पड़े अंकल वहाँ गए थे मीनू के यहाँ। अच्छा बैठो फिर बैठो, कमल का तो ठीक ही हो रहा है वहाँ, बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो कमरा नहीं मिल रहा है उसको वहाँ। वहाँ बैठो ना, चेयर में बैठो, चेयर है यहाँ, हम बैठेंगे चार पाँच। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद हमारे जीजा जी आए हैं, लेकिन ये भी घर जाने लग गए हैं। हम कह रहे हैं खाना वाना खा के जाओगे, खाना वाना बनाते हैं बात बार रोटी छोटी, लेकिन कह रहे हैं मैं घर ही जा रहा हूँ। तो ये आए हैं गोबर की खाद लेने, लेकिन हमारे यहाँ तो गोबर की खाद है नहीं, खाद तो है लेकिन वो अभी सड़ी नहीं है, वो कच्चा गोबर है तो वो बेकार ही होता है, तो पका हुआ गोबर है नहीं। तो अभी ये आस पड़ोस से मांग कर ले जाएंगे। अच्छा सुतली दे दे, और ट्रैक्टर भी आ चुका है बरसिंग बोने के लिए, और इधर जीजाजी भी जान लेगा। ठीक है जीजाजी फिर आना फिर, ठीक है। अरे टाइम ही नहीं लग रहा है, आऊँगा अब, टाइम लगेगा। तो ये कौन आ गया, बोलो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते, तो बोल दो। ट्रैक्टर चलाना है तो ये वैष्णवी है, और उधर वैष्णवी के पापा जुताई कर रहे हैं, तो वैष्णवी कह रही है मुझे भी ट्रैक्टर चलाना है। चलाना है आपको? अच्छा, यहाँ अम्मा के साथ जाना है, हैं? अम्मा के साथ क्यों जाना है, बच्चे नहीं जाते अम्मा के साथ। तो दोस्तों छिड़क दिया है बीज, बरसीम भी छिड़क दिया है, जय भी छिड़क दिया है। पहले तो मैं सोच रहा था कि पानी लगा के बरसीम छिड़कूंगा, लेकिन अभी नमी है अच्छी खासी तो बरसीम जम जाएगी, तो दोनों इकट्ठे ही छिड़क दी। तो अभी मिक्सिंग हो रही है और इसके बाद पटेला लगाया जाएगा। और इधर प्रियांशु भी आ चुका है फावड़ा लेके, साथ में उसका दोस्त जय, जो थोड़ा सा शर्मा भी रहा है, पता नहीं क्यों शर्मा रहा है, लड़कियाँ भी नहीं शर्माती आजकल इतना जितना ही शर्मा रहा है। अरे इधर को तो देखो, अरे यार हद हो गई, चल खोदिया कोना, खोद पिंचू, खोद खोद, तो नहीं खोद ये वाला, खोद, शर्मा मत बिल्कुल, काम करने में कोई शर्म नहीं, शर्म गलत काम में होनी चाहिए। पटेला जोड़, पटेला जोड़, कैसे जोड़ें क्या बताएंगे, तू रख, कैसे जोड़ूं क्या, कहाँ इधर नीचे नीचे खाता है। अच्छा ये है ना, ये है, ये है, ये इधर, ये ऐसे, ये देख, ये हटा, ये हटा। अरे यार क्या करा जय पे यार तूने, अरे थोड़ा जमा के मार फावड़ा, क्या फावड़ा पीछे से मारते वेला, हाँ मार मार, शाबाश, पैरों के आँचे, पैरों में मत मारना, गुड गुड, बढ़िया हो रहा है, इतना बढ़िया भी नहीं हो रहा लेकिन, हाँ हो गया बेटे, इतने में अगर हो जाता तो बात ही क्या थी। और ये आ चुकी है हमारे गांव की बच्चा पाल्टी, हाय गाइस, काम भी करोगे कुछ, खाली हाय गाइस ही बोलोगे, खोल दूँ, एक खोल दे, कौन है, खोल देखना, पेड़ ने टूटे तो कुणाल, देखता हूँ तुझे आता है, अरे खोद तो देखता हूँ कैसा नहीं आता है, क्या आता अभी तुझे, सिर्फ गेम खेलना, फ्री फायर है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, काम के बोले तो नहीं आता है, और मोबाइल दे दो तो आता आता है। तो दोस्तों बो चुकी है बरसीम, और अभी जो भी ओने कोने रह गए थोड़ा बहुत खोदने, तो वो काम मैं अब कर लेता हूँ, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय।